हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के लिए मैं POEC पार्ट थर्ड लेकर के आया हूँ। आप लोगों को मैं बताया था कि जैसे जैसे आपका ये वीडियो प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आज आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड देखिएगा कि आपका किस किस तरह के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। तो आपको देखिएगा कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको आज बताए जाएंगे तो आप इस क्वेश्चंस को अदर किसी मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप इन सारे क्वेश्चंस को अदर किसी मेथड से सॉल्व करते हैं तो आपको देखिएगा वहाँ पे कितने सारे प्रॉब्लम्स आएंगे एंड POEC के हेल्प से आप कितने इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। एंड आपका वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता दे रहा हूँ कि ये आपको टॉपिक जो है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ाए जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कराया जाता है। लेकिन आप देखिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पलट करके देखिएगा तो इससे क्वेश्चन आपको हर वन ईयर या फिर टू ईयर करके अल्टरनेट करके इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं जो आप बहुत ही इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, चैनल को लाइक इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, एंड शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपका 10 ml ऑफ ए गैसेस हाइड्रोकार्बन वाज बर्न्ड कम्प्लीटली इन 80 ml ऑफ O2, ठीक है। आपको गैसेस हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मीन्स आपका क्या होता है कि ऐसा कार्बन का कंपाउंड जिसमें आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होगा। तो ये आपका एक गैसेस हाइड्रोकार्बन ले लिए जिसका वॉल्यूम आपका दे दिया है 10 ml और इसको रिएक्शन किससे कराया जा रहा है, O2 से। तो हम लोग को कोई नीड नहीं है एकदम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का, ठीक है। अब देखिए एट NTP पे बोला जा रहा है द रिमेनिंग गैस वाज ऑक्युपाइड, रिमेनिंग गैस वाज ऑक्युपाइड 70 ml एट NTP। रिएक्शन के बाद जो भी आपको गैस मिल रहा है उसका वॉल्यूम आपका 70 ml बोला जा रहा है, ठीक है। NTP पे दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH। अब इस वॉल्यूम को मिस 70 ml को हम लोग KOH के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या हो जाता है आपका, वो 50 ml में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, अब पूछा जा रहा है आपको कि आपको हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका रिएक्शन कराएंगे तो CO2 और प्लस आपका बनेगा H2O। यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए रिएक्शन से आपको क्या क्या डाटा मिल रहा है, देखिए तो रिमेनिंग गैस कितना आपका 70 ml है। जो भी आपको गैस आफ्टर रिएक्शन मिला होगा वो टोटल आपका जो गैस बचा होगा कंटेनर में उसका आपका वॉल्यूम आपका 70 ml है, ठीक है। अब देखिए बोला क्या, दिस वॉल्यूम बिकेम 50 ml ऑन ट्रीटमेंट विथ KOH। देखिए KOH के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि KOH के साथ हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका वहाँ से CO2 जो होता है वो आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH सॉल्यूशन में, ठीक है। CO2 आपका क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा KOH सॉल्यूशन में। तो जो भी अमाउंट आपका CO2 का रहा होगा वो आपका आपको KOH के सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो आपको बचा हुआ कितना आपका 50 ml बचा हुआ है, पहले था कितना आपका 70 ml, इसका मतलब 20 ml एब्जॉर्ब हुआ है, 20 ml वॉल्यूम गायब हुआ है। कहाँ चला गया होगा वो, तो वो KOH के पास चला गया होगा। तो यहाँ से देखिए तो निकल के आ गया वॉल्यूम ऑफ CO2 इक्वल टू 70 - 50 इक्वल टू 20 ml। ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि आपका 70 ml पहले था पूरा का पूरा गैसेस वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद KOH के साथ जैसे ही रिएक्शन कराते हैं तो आपका वहाँ से 50 ml वॉल्यूम आता है, मीन्स आपका जो भी गायब हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ CO2 गायब हुआ होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले कितना था 70 ml, फाइनली कितना हुआ 50 ml, तो आपका गायब कितना हुआ 20 ml, तो 20 ml आपका क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ CO2 हो गया, मीन्स आपको 20 ml यहाँ पे CO2 का वॉल्यूम निकल करके आ गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि फटाक से निकाल देते हैं POEC लगा देते हैं हम लोग, POEC फॉर C एटम। कार्बन एटम के लिए क्या करते हैं हम लोग POEC लगाते हैं, तो देखिए कार्बन एटम के लिए POEC लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए तो इसके 1 mole में आपका x मोल कार्बन एटम है, इसके 1 mole में मात्र आपका सिंगल कार्बन एटम है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ठीक है। यहाँ से देखिए तो आपका x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY ये कितना है 10 ml है और बाय 22,400। यहाँ से देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आपको निकल करके आ गया, ये आपका कितना है 20 बाई
यहाँ से देखिए ये एंड ये कैंसिल हो गया, तो आपको x इक्वल टू कितना होगा, 10 टू जार 20 मीन्स x इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, ये आपको सॉल्व हो गया, कोई डाउट है, ये आपको क्या हुआ सॉल्व हो गया। यहाँ से देखिएगा तो आपको इस रिएक्शन में आपका निकल चुका है CO2 का वॉल्यूम, आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, बचा हुआ कितना होगा जी, तो ये जो 50 ml बचा था, ये 50 ml ये आपका क्या होगा ऑक्सीजन का ही वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ O2, तो वो क्या होगा आपका 50 ml। हम लोग H2O के वॉल्यूम को इग्नोर कर देंगे, कहीं पे H2O का वॉल्यूम कहा जाएगा तो वो क्या होगा आपका लिखा रहेगा आपका क्वेश्चन में, H2O के वॉल्यूम को क्या करेंगे हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपका H2O जो होता है वो वाटर वेपर बन करके फिर कॉन्डेंस होकर के आपका वाटर में कन्वर्ट होता है, गैसेस फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता नहीं। ठीक है, यहाँ से देखिए तो आपका वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको पता चल चुका है। ठीक है, तो देखिए तो रिमेनिंग अमाउंट, ये आपका वॉल्यूम ऑफ ये आपका क्या रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक है, ये आपका क्या रिमेनिंग अमाउंट है, मीन्स आपका आफ्टर रिएक्शन रिमेनिंग अमाउंट मीन्स आफ्टर रिएक्शन, तो रिएक्शन में कितना आपका पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑक्सीजन का कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, आप स्टार्टिंग में लिए थे 80 ml, याद है ना, स्टार्टिंग में लिए थे 80 ml, आफ्टर रिएक्शन आपको कितना बच रहा है, 50 ml बच रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन में कंज्यूम कितना वॉल्यूम हुआ जी, 30 ml। एकदम बात समझ आ रही है, रिएक्शन में कितना कंज्यूम हो रहा है, 30 ml। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके प्लेस पे आप 30 ml लिख सकते हैं, 30 ml रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, 80 ml जो लिखे थे वहाँ पे आपका क्या हुआ, 80 ml में से मात्र आपका 30 ml कंज्यूम हो रहा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन इज 80 - 50 इक्वल टू 30 ml। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का आपको निकालना होगा ना नंबर, इसके हाइड्रोकार्बन के आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए आपको हाइड्रोजन का भी नंबर निकालना होगा, कार्बन का तो निकाल चुके हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब लगाते हैं POC फॉर O एटम, तो POC मैं इसे मिटा देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा POAC फॉर O एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, POAC लगा रहे हैं, तो देखिए क्या आपका होगा, यहाँ से 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, आप कैसा लिख सकते हैं, यहाँ से ये एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को नहीं समझ आ रहा था आप लोग प्रीवियस वीडियो मीन आपका फर्स्ट वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा, 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 की बात करते हैं, तो वॉल्यूम उसका कितना दिया, 30 ml बाय 22,400 इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 की बात करते हैं, तो वॉल्यूम इसका 20 ml बाय 22,400 प्लस, यहाँ पे देखिए तो इसका आपको नहीं पता है ना, यहाँ से देखिए आपका ये निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा आपका ये 60, और इसको उठा के ले आएंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 60 बाई 22,400 माइनस 40 बाई 22,400 इक्वल टू, तो यहाँ से आपका निकल करके आ गया NH2O इक्वल टू 20 बाय 22,400, ये नंबर ऑफ मोल्स आपका H2O का निकल करके आ गया। ठीक है, एंड मैं इधर अब मिटाता हूँ, अब आपका क्वेश्चन बन ही गया, क्योंकि मैं बताया भी था लेवल थर्ड का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़े से तो लंबे जाएंगे, वैसे आपका क्वेश्चन है ही जी, बट आप लोगों के लिए अभी आप बिगनर्स हैं तो इसलिए आप लोगों के लिए लेवल थर्ड के ही क्वेश्चन माने जाएंगे। तो अब देखिए आपका यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, POAC लगा देंगे, POAC फॉर H एटम, तो H एटम के लिए लगाएं तो कितना होगा Y × देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में आपका क्या है Y एटम है ना, तो Y × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O
y इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 ml ना, तो 10 इंटू सॉरी y 22,004 2 इंटू इसका वॉल्यूम जस्ट निकाले हम लोग 20 by 22,400। इसको काटेंगे ये आपका 2 टाइम्स में, मीन्स y इक्वल टू आपका कितना आ गया 4 आ गया। तो आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या निकल करके आ गया जी, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आपको निकल करके आ गया C2H4, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका क्या था x का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 2, तो अब y का वैल्यू आपका कितना निकल गया 4 निकल गया। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा जल्दी से, मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 16 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन गैस वॉज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोनाम ले लेंगे हाइड्रोकार्बन। ये देखिए तब का क्या होगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा और CO2 प्लस H2O बनाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 16 ml और ये आपका एक्सेस अमाउंट में है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका क्या बोला, ऑन कूलिंग, ऑन कूलिंग, कूलिंग करने के बाद कौन सा आपका ठंडा होगा जी, अरे कौन सा आपका क्या होगा, कन्वर्ट होगा लिक्विड में, तो वाटर वेपर। तो ऑन कूलिंग वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर वाज रिड्यूस्ड बाय 48 ml। जैसे हम लोग इसको कूल करेंगे तो आपका रिड्यूस हो जाएगा 40 ml, 48 ml कहने का सेंस है आपका कि वाटर वेपर का आपका जो है हो गया यहाँ पे, इसका दे दिया आपका 48 ml, क्योंकि आपका ये जो आपका होगा वो वॉल्यूम रिड्यूस होगा 48 ml में, आपका क्या होगा यही पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, तो गैस का वॉल्यूम आपका क्या होगा कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका बोल रहा है, व्हेन KOH वाज एडेड देर वाज ए फर्दर डिक्रीज ऑफ 48 ml। अब क्या करते हैं कि हम लोग KOH को ऐड करेंगे सॉल्यूशन में, तो फिर से क्या आपका होगा 48 ml वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मीन्स आपका CO2 का वॉल्यूम दे दिया, क्योंकि 48 ml आपका वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट होगा तो KOH किसको लेकर के जाएगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। कितना आपका घटा है 48 ml, मीन्स 48 ml आपका इस कंटेनर में से क्या करेगा आपका निकाल लेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपका इस तरह का आ गया। अब बोला जा रहा है आपको निकालने के लिए मॉलिकुलर फॉर्मूला, ये एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगा दीजिए आप आराम से POC फॉर सी एटम। ठीक है, देखिए तो इसके वन मोल में एक्स है ना, इसके वन मोल में एक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसके वन मोल में सिंगल है, तो क्या करेंगे एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ठीक है, तो x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ x नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई ये क्या होगा आपका 16 by 22,400 इक्वल टू CO2 48 by 22,400। देखिए ये कैंसिल हो गया आपका एंड ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू आपका कितना निकल गया 3 निकल गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, हम लोग लगा देंगे POAC फॉर H एटम, POAC फॉर H एटम लगा दें। यहाँ पे देखिए तो इसके वन मोल में आपका क्या है Y नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, इसके वन मोल में कितना आपका है 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, तो क्या होगा Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एक्स एच वाई इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका Y इंटू इसका नंबर ऑफ मोल्स तो 16 by 22, यहाँ से 2 इंटू 48 by 22,400। ठीक, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो y इक्वल टू कितना निकल गया आपका 6 निकल गया, 3 × 2 = 6, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा आपका C3H8। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखिएगा यहाँ पे जो मैं लिखा था C3H8, ये सॉरी मिस्टेक से लिख दिया था आपका C3H6 होगा। ठीक है, मिला लीजिएगा, वाई का वैल्यू हम लोग निकाले थे यहाँ पे 6 वैल्यू निकाले थे। ठीक है, और एंड आपका क्या होगा तो C3H6 हो जाएगा, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते, देखिए आपका ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिएगा क्या आपका लिखा हुआ है, 7.5 ml ऑफ ए गैसेस हाइड्रोकार्बन, 7.5 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन। तो देखिए गैसेस हाइड्रोकार्बन है, इसका आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे अपने मन से एक गैसेस हाइड्रोकार्बन CXHY कर लेंगे, वाज एक्सप्लोडेड विथ 36 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का आपका वॉल्यूम दिया हुआ आपका 36 ml, इसका आपका वॉल्यूम दिया हुआ कितना आपका 7.5 ml। ठीक है,
अब देखिए आपका क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ द गैसेज ऑन कूलिंग, जब ये कूलिंग का बात करेगा तो समझ जाना है कि वहाँ पे आपका क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल को गायब करने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे ही कूल करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल आपका होगा वो कंडेंस होकर के लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स आपका वेपर फेज में जो था वो आपका गायब हो गया, ठीक है। तो आपका वॉल्यूम जो होगा वो आपका 28.5 ml है, वॉल्यूम जो बचा हुआ आपका वॉल्यूम जो है वो आपका 28.5 ml है, मीन्स आपका ये जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा वो CO2 हो सकता है, ठीक है। वाटर वेपर तो गायब हो गया, CO2 हो सकता है, आपका रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है मे बी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, 15 ml of which वाज एब्जॉर्ब बाय KOH, इसको देखिएगा एकदम ध्यान से, 15 ml of which वाज एब्जॉर्ब बाय KOH, KOH के द्वारा आपका 15 ml एब्जॉर्ब कर दिया गया है, मीन्स आपका CO2 का वॉल्यूम कितना होगा जी, 15 ml होगा, क्योंकि आपका KOH से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा आपका CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब देखिए तो आपका क्या बोल रहा है, एंड द रेस्ट वॉज एब्जॉर्ब इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कलाइन पाइरोगेलोल, रेस्ट वॉज एब्जॉर्ब अल्कलाइन पाइरोगेलोल, ये आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, याद रखिएगा अल्कलाइन पाइरोगेलोल आपका क्या करेगा, ऑक्सीजन को, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, एब्जॉर्ब्स O2, ठीक। इफ वॉल्यूम आर मेजर्ड अंडर द सेम कंडीशंस deduce द फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का आपका पूछा जा रहा है फॉर्मूला। चलिए अब यहाँ से देखिए, तुम लोग सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, आपके पास देखिए वॉल्यूम क्या था दिया आपका, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कितना था आपका, 28.5 ml था, ठीक है, 28.5 ml, इसमें से आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना था दिया आपका, 15 ml, ठीक है। वाटर वेपर को हम लोग पहले ही गायब कर चुके हैं, तो आपका वॉल्यूम ऑफ O2 या बोल सकते हैं अनरिएक्टेड वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना होगा, 28.5 -15, तो ये आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 13.5 ml, ठीक है। ये आपका अनरिएक्टेड वॉल्यूम मीन्स अनयूज्ड वॉल्यूम हो गया आपका, कितना 13.5 हो गया। आप स्टार्टिंग में लिए थे कितना, कितना लिए थे आपका, 36 लिए थे, तो आपको 36 वॉल्यूम लिए थे, मीन्स आपका वॉल्यूम जो लिए थे आप, वॉल्यूम ऑफ O2 इक्वल टू कितना था, 36 था टोटल वॉल्यूम आपका इतना था। तो रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है जी आपका, यूज्ड इन रिएक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 36 माइनस कितना बचा हुआ आपका, इतना है 13.5 मीन्स आपका कितना हुआ, 22.5 ml, मीन्स आपको रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, 22.5 ml यूज हो रहा है, ठीक है। एकदम 100% क्लियर है सब कुछ, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग इसे लिखिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ इसे, रुक रुक, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे आपका क्या होगा, कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए सब कुछ लगा देंगे हम लोग, आपको सब कुछ पता चल गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग लगाते हैं POAC फॉर सी एटम, तो कितना होगा, x इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू इसका वॉल्यूम दिया आपका 7.5 डिवाइडेड बाई 22,400, ठीक है। NTP पे नहीं भी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबको NTP पे मान करके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। एंड नहीं तो आप वॉल्यूम को आप मोल भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये 2 times में कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू कितना निकल गया आपका, 2 निकल गया। फिर देखिए दोनों लगाते हैं देखिए हम लोग लगाते हैं POAC फॉर O एटम, ऑक्सीजन एटम के लिए POAC लगाते हैं,
तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 22,400 इक्वल टू 2 इंटू 15 बाय 2200 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपका 45, ये आपका 30, इसको उठा के इधर ले आएंगे तो आप सब्ट्रैक्ट होकर के आपका कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15 बाय 22,400, ये आपका रहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ठीक। अब चलिए हम लोग फट से लगाते हैं POC फॉर हाइड्रोजन एटम, तो आपको बन जाएगा, देखिएगा आप इसे नोट कर चुके होंगे इधर। POAC फॉर H एटम तो कितना हो जाएगा आपका Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O Y इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 22,400 इक्वल टू 2 इंटू देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाले हुए हैं, तो ये आपका रहा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 टाइम्स में मीन्स आपका वाई इक्वल टू कितना होगा 2 × 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया C2H4, यही आपके पास आंसर आ गया, ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, ए सैंपल ऑफ ए गैसेस हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाइंग 1.12 लीटर एट NTP, ठीक है, आपका एक हाइड्रोकार्बन का सैंपल है जिसका आपका वॉल्यूम दिया 1.12 लीटर एट NTP, व्हेन कम्प्लीटली बर्नड इन एयर प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ CO2, CO2 का आपका मास दिया हुआ है पूरी तरह बर्न होने के बाद, 1.8 ग्राम ऑफ H2O का आपका मास दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द कंपाउंड टेकन एंड द वॉल्यूम ऑफ द O2 एट NTP, आपसे पूछा जा रहा है कि कंपाउंड का वेट कितना होगा एंड O2 का आपका क्या होगा, वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, फॉर इट्स बर्निंग फाइंड द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का पूछा जा रहा है आपका, वो जो आपका हाइड्रोकार्बन है उसी का आपका पूछा जा रहा है मॉलिकुलर फॉर्मूला में। चलिए तो हम लोग लेट कर लेते हैं CXHY आपका क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होगा, ये O2 से कंबाइन करता है एंड आपका ये क्या करता है CO2 प्रोड्यूस करता है और H2 प्रोड्यूस करता है, देखिए सब कुछ दिया हुआ है, इसका आपका 1.12 लीटर दिया हुआ है, ठीक, NTP पे इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा जी, इसका वॉल्यूम आपका कितना, सॉरी इसका वॉल्यूम दिया आपका इतना लीटर, ठीक, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू 1.12 बाई 22.4, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1/20, तो इसका 1/20 मोल हो गया, ठीक, इसका देखिए मास कितना दिया हुआ 2.2 ग्राम दिया हुआ है, 2.2 ग्राम, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 तो कितना 2.2/44 मीन्स आपका इसका 1.1/20 हो गया, तो 1/20 आपका क्या हो गया, इसका भी मोल हो गया। वाटर का देखिए आपका 1.8 दिया हुआ है, 1.8 ग्राम दिया हुआ है, इसका भी नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1/10 मोल आ जाएगा, ठीक। चलिए ये आपका दिया हुआ है, तब यहाँ से झट से देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, तो POAC फॉर C एटम के लिए POAC लगाएंगे तो कितना हो जाएगा एक्स इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 एक्स इंटू 1/20 इक्वल टू 1/20, ये कैंसिल आउट हो गया तो एक्स इक्वल टू कितना आपका हो गया 1 हो गया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के लिए लगा देते हैं POAC, यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, हाइड्रोजन को लगा करके निकाल भी सकते हैं, देखिए POAC फॉर H एटम के लिए लगा देते हैं तो कितना आपका हो जाएगा Y इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CXHY इक्वल टू आपका 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, तो यहाँ से कितना आपका हो गया, यहाँ से आपका हो गया Y इंटू ये 1/20 इक्वल टू देखिएगा आप लोग 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखिए ये कितना है 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 को हम लोग इधर लेकर के चले आएंगे, देखिए 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया तो 2 × 4 मिस आपका वाई को 4 हो गया, मिस रिजल्टिंग गैस जो आपका हो गया वो CH4 हो गया, ठीक है, बट इसमें आपको और भी कुछ कह रहा है क्वेश्चन में, तो देखिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं,
इन सबको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक। आप लोग देखिएगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये कितना था आपका, 1/20 मोल था। चलिए अब यहाँ से देखिएगा क्या होगा आपका, कैसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। देखिएगा क्या बोला जा रहा है आपको, वॉल्यूम बोला जा रहा है आपका ऑक्सीजन का निकालने के लिए, ठीक है। एंड इसका मास भी पूछा जा रहा है, तो मास तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि आपको पता है इसका पता है, नंबर ऑफ मोल पता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए मास सबसे पहले मास निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ या वेट आपसे पूछा जा रहा है, वेट मास आपका केमिस्ट्री में सही माना था, ठीक है। तो वेट ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, 1/20 और इंटू इसका आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 16। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 8/10, 0.8 ग्राम, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए O2 का आपका वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे POEC फॉर O एटम। तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहाँ से देखिए तो आपका कितना हो जाएगा, NO2 इक्वल टू ये 2 सब में कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो NCO2 कितना आपका दिया हुआ है, 1/20। ये कितना दिया आपका, 1/10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 21+2 मिस आपका 3/20। ये आपका क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ गया। आपको वॉल्यूम चाहिए ना, आपको वॉल्यूम चाहिए तो क्या लिखेंगे आपका, वैसे भी NTP पे बोला जा रहा है आपको वॉल्यूम। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स आ ही गया, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, 3/20 नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 लीटर। यही आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में, 7.5 ml ऑफ ए हाइड्रोकार्बन गैस वाज एक्सप्लोडेड विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आपका 7.5 ml आपका हाइड्रोकार्बन गैस है जिसको एक्सप्लोड किया जा रहा है आपका एक्सेस ऑफ O2 के साथ। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, CXHY+O2 ये कंबाइन करेगा तो क्या होगा, CO2+H2O बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका आपका अमाउंट दिया हुआ है एक्सेस, ठीक है, एंड इसका आपका दिया हुआ है 7.5 ml। देन बोला जा रहा है आपको ऑन कूलिंग, फिर से कूलिंग वाला टर्म आया, तो इसका मतलब क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल को गायब किया जा रहा है। ऑन कूलिंग इट वाज फाउंड टू हैव अंडरगोन ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 15 ml, मीन्स जैसे इसको कूल करते हैं तो 15 ml वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट होता है, ठीक है, मीन्स आपका H2O का वॉल्यूम दे दिया है, क्योंकि कूल करने के बाद तो गायब तो यही होगा, तो कितना गायब होगा, 15 ml मीन्स आपका क्या होगा, H2O गायब होगा। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज 14, वेपर डेंसिटी आपका हाइड्रोकार्बन का 14 दिया हुआ, डिटरमाइंस मॉलिक्यूल फॉर्मूला। चलिए फटाफट हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा, लगा देंगे POAC फॉर H एटम, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका हाइड्रोजन के बारे में ही आपका दिया हुआ है, कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों में से आपका क्या हाइड्रोजन के बारे में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, इसलिए लगा देंगे हम लोग X, मतलब H लगा देंगे, ठीक। यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, ये लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे वॉल्यूम आपका 7.5 है, ले लेते हैं हम लोग, NTP कंडीशन ही ले लेते हैं क्योंकि सब तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे ही है। तो 2 × 15/22,400 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो आपका y इक्वल टू आपको निकल गया, y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू आपका 4 हो गया, ठीक है, y इक्वल टू आपका क्या हुआ, 4 हो गया। अब देखिए हम लोग को x निकालना है तभी निकलेगा। अब यहाँ से देखिए तो आपका एक चीज़ देखिए देखिए वेपर डेंसिटी आपको दिया हुआ है कितना है, 14, तो इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा जी, आपका m कितना होगा, मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपको याद होगा, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी मीन्स क्या आपका 28 आपका क्या होगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो आपको टोटल इसका मास पता हो गया, तो x इंटू 12 प्लस y इंटू 1 इक्वल टू 28, तो x इंटू 12 प्लस y का वैल्यू आपका दिया हुआ है 4, तो 4 इक्वल टू 28। यहाँ से इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 12x इक्वल टू 24, तो x इक्वल टू 2, देन आपको आंसर जो निकल करके आ गया
वो C2H4, यही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, तो फिर हम लोग अब मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट लेवल की ओर ले चलेंगे इसे POEC को। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा प्रत्येक वीडियो में, देखिएगा आप लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, एंड आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।